हम काशी में पवित्र गंगा अस्सी एवं वरुणा में जो भी मलजल गिरता है उसे रोकने का हर संभव प्रयास करेंगे। गंगा मैया की ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। विश्व जल दिवस के अवसर पर हम लोग करीब 22 वर्षों से मानव श्रृंखला बनाते हैं, ये गंगा के प्रति अपना कमिटमेंट और गंगा अपने फिर सात्विक भाव से गंगा का जो प्रदूषण है वो समाप्त हो ताकि गंगा अपने पुराने स्वरूप में फिर प्रवाहमान। तो ये कमिटमेंट पहले बच्चों का ये कार्यक्रम हुआ करता था, अब बच्चों का पाठ हम लोगों ने थोड़ा कम किया है क्योंकि एक समय भी दूसरे ढंग का हो रहा है और समाज के बड़े लोगों को इसमें करके और हम लोग आज के दिन सभा करते हैं ताकि अपने कमिटमेंट को हम रिपीट कर सकें कि गंगा स्वच्छ है। देखिए अभी प्रयास तो काफ़ी हुआ है लेकिन जिस दिशा में होना चाहिए वो दिशा ठीक नहीं है और इस तरह का अगर प्रयास होगा तो उसका बहुत अच्छे परिणाम कभी आएंगे नहीं। ये देखिए इसका सीधा सीधा है, अच्छी टेक्नोलॉजी और अच्छी प्लानिंग जब होगा और जो बेसिकली जो बनारस में प्रॉब्लम है वो रॉ सीवेज का उत्सर्जन रिवर में, वो जब तक नहीं बंद होगा आप जो मन करे वो करते रहे उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। सरकार का कहना है कि चार एसटीपी जो है बनारस के अंदर, आप 40 एसटीपी लगाइए लेकिन अगर गंगा में उस तरह का जो रॉ सीवेज है वो उसका जल आएगा या अनट्रीटेड सीवेज आएगा तो ये गंगा की वेदना कम नहीं होगी। आप जितने मन कर उतने एसटीपी लगाइए और एसटीपी में वो मॉडर्न एसटीपी हो जिसमें फीकल कोलिफॉर्म बैक्टीरिया एकदम समाप्त हो, अभी जो एसटीपी में उसमें वो क्षमता नहीं है। तो आप एसटीपी लगाए तो एसटीपी के गिनती से ये परिणाम नहीं आपको आने वाला है। भाई हम तो उसी बेसिस पे कह रहे हैं ना कि जो वाटर के जो पैरामीटर्स हैं जो इंडिकेटर्स हैं वो अच्छा नहीं है और जहाँ हम बैठे हैं अभी हमारे पास जनवरी का डेटा अभी लेटेस्ट नहीं है, यहाँ भी आपको फीकल कोलिफॉर्म काउंट पर 100 ml 40,000 से 50,000 मिलेगा जो कि स्नान योग्य जल के लिए 500 के अंदर होना चाहिए, तो आप कहीं उसके आसपास नहीं हैं और आप केवल आश्वासन देते जा रहे हैं सबको कि गंगा साफ हो गई, आचमन योग्य हो गई। तो जो लोग कहते हैं आके जरा आचमन करके दिखाएं हमको भी, हम भी देख लें। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ लाइव VNS से। बनारस की ताजा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।